चाय ब्रेक लिया जा रहा है और अमरेली से जो यहाँ तक आए उसमें सीएनजी का खर्चा उसे बारीक में तरू तू गए सलाम गाइस, मेरा नाम है साहिल शेख, यूट्यूब चैनल साहिल शेख ब्लॉग्स। तो गाइस किसी के बैग देख रहे हो आप लोग, पहन लिया है बाकी सब मैं गाड़ी की तरफ चले गए हैं। मैं यहाँ पर हूँ तो अब मैं भी निकलता हूँ। और अभी बज रहे टाइम देखो रात का, अभी देखो टाइम रात की बज रहे हैं 12:15 और ये निकल रहे अभी 12 घंटा लगता है हम लोगों को यहाँ से। और सीएनजी हम लोगों ने पहले ही डलवा लिया था, दोपहर को हम लोग जब गए थे लाठी दरगाह पर तभी डलवाया था, 5:30 होगा। तो गाड़ी में है सीएनजी ऑलरेडी और बस यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएंगे तो एक दिन पहले आएंगे और प्रॉपर अच्छी तरह से ब्लॉग बनाएंगे। ये शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था, जैसा भी था आप लोगों ने पार्ट वाइज अगर सीरीज़ देखा होगा अच्छा लगा होगा तो लाइक दे देना गाइस। बस इतना ही था, चलो अब निकलते हैं और सही सलामत घर पहुँच जाते हैं और घर पर जाकर ब्लॉग को ये ऐड करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो देखो मैं निकल रहा था और उसके पहले मुझे याद आ गया कि मेरी होटल का जो नाम था वो नाम लेना ज़रूरी है व्लॉग में, क्योंकि पीछे ही रही मेरी होटल। और इसका नाम देखो क्या था पहले, बागे अबू तालिब। ये होटल का नाम था, काफ़ी बेहतरीन होटल का नाम था। बस यही था, अब निकलते हैं यहाँ से और इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों को आधे रास्ते में। ठीक है, चलो भाई। और हाँ, एक चीज़ बताना और भूल गया कि जाके गाड़ी में जाके तो ऑफकोर्स सो ही जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो सो जाएगी और जब भी उठना हुआ तब आप उनको शूट करके बताऊंगा। ठीक है, चलो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, बादशाह सलीमुल्लाह, जिंदाबाद, रहबर सलीमुल्लाह, जिंदाबाद, खानदान रिफाइया, जिंदाबाद, नारे हैदरी, या अली। तो देखो 12 बजे निकलने के बाद अभी बज रहे टाइम देखो 2:15 और सीएनजी भरने के लिए रुके। आधे रास्ते में मैं थोड़ा सोया था, जैसे ही आँख लगी गाड़ी साइड पे लगा और गाड़ी रुकी तो अब सीएनजी भरा। और यहाँ पे सीएनजी जो गया 480 सीएनजी गया है गाड़ी के अंदर, 6-6.5 किलो। बस इतना ही था, वापस फिर से सो जाते हैं और जहाँ पर रुकेंगे और फिर से शूट करेंगे। ठीक है, चलो गुड नाइट। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइम तो देखा तो अभी हम लोग इसलिए रुके क्योंकि चाय ब्रेक लिया जा रहा है और हम लोग फिनिशम उठे हुए, बाकी सब भी गाड़ी में उठे हुए पर उन लोग चाय वगैरह कुछ पीते नहीं है, बैठे अंदर लोग चाय पी रहे हैं। यहाँ पे चाय पीते और उसके बाद सीधा निकल के फटाफट, क्योंकि अभी 3:15 हो रहा है टाइम। तो आई होप सूरत निकलने के पहले पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए, क्योंकि हम लोग सूरत निकल जाएगा तो हमारे ड्राइवर सबको भी थोड़ी नींद आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस वजह से। ठीक है, चलो चाय पीता हूँ उसके बाद निकलते। ठीक है, देखो अभी जो हम लोग उठे व्हाट्सएप पे, मैं सोया था फिर से सीएनजी भरने के लिए उठे तो सीएनजी डाला और अभी टाइम हो रहा बज रहे 7 और गाड़ी जो है हमारी साइड पर लगा दी थी और 2 घंटा हम सब लोग सो गए थे, सुबह से टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब सीएनजी जो है वो तकरीबन 501 रुपये का सीएनजी गया है, 6.75
ओके जी हमारी है मैं चल रहा हूँ सो जा रहेगा खुद से काफ़ी जगह पक चुके हैं कभी गर्मात अगर मुझे तो प्लीज़ पता नहीं रहेंगे क्या 7 बज चुके हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 बजे तक घर पर पहुँचेंगे ठीक है कीम अब हमारा रूट ही ऐसा था कि जाना था तो जा रहे थे ना अमरेली तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग कीम होकर जाएंगे पर तभी जाना नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि रिटर्न में जरूर रुकेंगे तो अभी टाइम हो रहा है बज रहा है सुबह के 10:10 हुई है और कीम का आसान है क्योंकि गाड़ी में मैं सो गया था ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने सोचा कि कीम पर शूट करता हूँ हम लोग ने फ्रेश वगैरह वो होटल पर हो गए थे लोग अभी आए हैं आसानी कर वहाँ पर मैंने होटल पे शूट नहीं किया मतलब आसानी की ज़्यादा करवाता आप लोगों को और उसके बाद फटाफट निकल के ठीक है घर पे पहुँच के फिर से सो जाएगी चलो भाई आप लोगों ने ज़्यादात कर ली होगी अब हम निकल रहे फिर से यहाँ से और नाश्ता वगैरह करना है तो अब देखते हैं कहाँ रुकते हैं नाश्ता करने के लिए हमने तो सोचा था कि यहीं पर कर लेंगे पर हमारे जो प्रोफेसर है रुकू भाई वो बोल रहे कि यही यहाँ पर नहीं बाहर निकलते हैं हाईवे पर और उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है और चाय वगैरह भी पीना है तो ठीक है चलो फटाफट निकलते हैं और आप लोगों ने भी ज़्यादात की होगी लगा आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक भी देना बस इतना ही था चलो अब निकलते हैं और CNG तो डलवाया था आप लोगों को मैंने तो वो भी बता दिया आप लोगों को किधर किधर डलवाया था उसके बाद कहीं डलवाया नहीं है अब अगर डलवाना हुआ तो वहाँ पर रुकेंगे आप लोगों को बताऊँगा कितने रुपये का CNG गया है और चिंचन पहुँच कर भी बताऊँगा है कितने का टोटल गया हो CNG ठीक है चलो फिर से रुके हैं पंप पे नाश्ता करने का बाकी है पर करेंगे पर अभी आए हैं हम लोग सूरत पहुंच चुके और ये गाड़ी में CNG भरवाना ज़रूरी है तो CNG भरवाएंगे और उसके बाद निकल लेंगे नाश्ता करने का हमारा बाकी है पर अभी पहुंचे हैं हम लोग सूरत तो यहाँ पे CNG का पंप दिखा CNG भरवा देते और उसके बाद निकल जाते हैं ठीक है और नाश्ता करने कहाँ पर रुकते हैं क्या रुकते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं हमारी सबकी डिमांड है कि मसाला डोसा मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो हमने जग्गू भाई को वही बोला कि मसाला डोसा वाली मतलब अल्फा वगैरह पे ही रुकाना फिर से तो वहाँ पे मसाला डोसा वगैरह मिल जाएगा तो खा के निकलेगा ठीक है चलो अब यहाँ पे कितना CNC जा यहाँ पे कितना CNG जाता है कितने पैसे कितना रुपए का जाता है कितना केजी जाता है वो भी दिखाओगे तो बने रहना ठीक है चलो भाई तो गाइस CNG जो है वो डलवा दिया है गाड़ी के अंदर और 540 का गया है 7 किलो और 28 ग्राम कुछ गया है बस इतना ही और अब निकल रहे हैं पूरा हिसाब जो है आप लोगों को वो मैं आप लोगों को ऊपर जाकर दूंगा ठीक है ठीक है चलो ये गाड़ी है
ये हम हैं, बैठ रहे और नहीं कर रहे, नाश्ता करने रुके के वापस मिलता हूँ, चलो बाय। तो फिर से आए हम लोग अल्फा, जहाँ पे हम लोग जाते टाइम रुके थे खाना खाया था, वहाँ पर ही फिर से आए नाश्ते कर नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता का टाइम देखो, टाइम देखो क्या हो रहा है, 12:30 बजे नाश्ता बंद हो जाता है। फटाफट चलते क्या है क्या नहीं अवेलेबल है तो देते हैं, वरना फिर निकल जाएगी यहाँ से तुरंत और दूसरी जगह पर नाश्ता करते हैं, जाते हैं अंदर में और देखते हैं या नहीं। ठीक है चलो, जो चीज़ खाने का मन था वो चीज़ मिला है, मसाला डोसा तो मसाले साथ आएंगे। और भाई लोग बोलते हैं खाना भी खा लेते, पर हमारे को मसाला डोसा खाना ही था, मुझे और अगर भी खाइए तो जो ऑर्डर दिया है फटाफट मसाला डोसा खाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फटाफट निकल जाएंगे और घर पर जाएंगे जल्दी और घर पर सो जाएंगे। ये चलो ऑर्डर दिया है, आएगा बोलकर उसके बाद देखो। प्लानिंग जो है वो कैंसिल होती रही है और अभी भी हुई हमारी प्लानिंग कैंसिल, सब बोलते फिर से नाश्ता ही करेगा। तो सब लोगों ने मसाला डोसा ऑर्डर दे दिया, मेरा आ चुका, मैं खाता हूँ और उसके बाद निकलेंगे। ठीक है वापस से वाला था चल जाएगा। देखो नाश्ता करने के बाद हम लोग आए हैं बाहर, बाकी लोग मेरे मेंबर नाश्ता कर रहे, हम लोगों ने मेन डोसा और मसाला डोसा और इडली खाई बस, और उसके बाद बाहर आए। 12 बजे नाश्ता बंद हो जाता है, पर 12 के पहले उन्होंने ऑर्डर देखो फटाफट खा लिया। अब यहाँ से हमारी गाड़ी निकलेगी ना सीधा, तो एक CNG पंप पर रुकेगी कहीं पर और उसके बाद सीधा इंशाल्लाह घर पर रुकेगी। क्या कहीं प्लानिंग हुई तो वहाँ से फिर देखे क्या कैसा क्या है वो। ठीक है जो भी है जैसा भी है आप लोगों के सामने तो आ ही जाएगा, बस इतना ही था ये ब्लॉग में। अब मैं चला गाड़ी के अंदर, सीधा जाके थोड़ा सो जाऊंगा और CNG पंप पर रुकूंगा तभी शूट करूंगा। ठीक चलो यहाँ पे हमारा सफर खत्म होने जा रहा है और हैदर भाई हमारे जा रहे हैं। हैदर भाई चलो अल्लाह हाफिज। ओ भाई चलो 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 जग्गू भाई अल्लाह हाफिज। बाकी सब मेंबर आ चुके मेरे बुलते और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अमरेली से जो यहाँ तक आए उसमें CNG का खर्चा हुआ 2150 रुपये हुआ है। 4 जगह CNG डाला था हम लोगों ने, एक अमरेली में पहले डाला था, 2 जगह का नाम नहीं पता, बाकी सूरत वगैरह में डाला, बस इतना ही था। 2150 रुपये में रिटर्न हुई है, पहले भी गए थे तब 2100 रुपये तकरीबन लगा था, इतना ही था। अब ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। चलो मिलते हैं लोगों तक, पहले बाय, दुआ में याद रखना मेरे से, फिर वापस स्वागत, बाय बाय बोम।